Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajira Saleem. मुझे इस बात की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। मैंने उस खत को बार बार पढ़ा, ये सोचकर कि शायद मुझसे समझने में कोई भूल हुई होगी। जवाद मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जब उन्होंने रेहाना को भी मेरे पास वापस भेज दिया तो मैं बहुत रोई। उन्हें खत भी लिखे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इस अनहोनी के बाद मानो जैसे मेरा जहन सुन हो गया, आसान खता हो गए। सदमे का असर कुछ इस कदर गहरा था कि 1954 से आहिस्ता आहिस्ता मेरी नज़र कमज़ोर होने लगी। जब तक मैंने डॉक्टर को दिखाया तब तक रेटिना पिगमेंटोसा और कैटरैक्ट की वजह से मेरी एक आंख की रोशनी जा चुकी थी और दूसरी आंख पर भी असर होने लगा था। डॉक्टर्स ने मुझे मशवरा दिया कि मैं जॉब छोड़ दूँ और जो मेडिकल और नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट्स मौजूद थे उन्हें शुरू कर दूं। चुनाचे मैं दोनों बच्चियों को लेकर अम्मी अबू के पास अलीगढ़ आ गई। 3 साल तक मेरा इलाज होता रहा लेकिन कोई इफाका ना हुआ। एक दिन सुबह 4 बजे मेरी आंख खुली तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अब शायद कभी देख नहीं पाऊंगी। उस लम्हे मैंने दोनों हाथ उठाए और अल्लाह ताला से सिर्फ एक दुआ मांगी, अगर मेरी नज़र जानी है तो जाए, जो तेरी रजा, लेकिन मेरा दिमागी तवाज़ुन कायम रखना। मैं वो कैफियत लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, समझा नहीं सकती कैसे, लेकिन ये दुआ मांगते ही मेरा दिल मुतमईन हो गया कि मेरी दुआ कबूल हो गई है और मैं दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। नाबीना हो जाने के बाद 2 चीजें ऐसी थीं जिन्हें मैं बहुत मिस करती थी। एक, चांदनी रातें। मैं घंटों बाहर निकलकर खड़ी रहती थी जब चौदहवीं का चांद निकलता था। और दूसरी, आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ नेचुरल सीनरी, कुदरत के हसीन नज़ारे। मैं अब ये सब देख तो नहीं सकती थी लेकिन खूबसूरती तो वो अलामत है जिसे महसूस किया जा सकता है, अपनी रूह में जज्ब किया जा सकता है। और हाँ, मुझे परफ्यूम्स भी बहुत पसंद हैं। शुक्र है खुशबू का बीनाई से कोई ताल्लुक नहीं होता। जिंदगी में चंद मौके ऐसे भी आए जब मैंने तड़प कर नज़र ना होने की कमी को महसूस किया। एक, जब मेरी बड़ी बेटी रेहाना दुल्हन बनी, उस वक्त शिद्दत से मेरा जी चाहा कि मैं देखूं मेरी शहजादी, मेरी गुड़िया कैसी लग रही है। जब गाला की शादी हुई उस वक्त भी मैंने इस कमी को शिद्दत से महसूस किया। और फिर जब मैं नानी बनी, बाकी मैंने वक्त के साथ साथ इस तारीकी से दोस्ती कर ली। यूं ही जीने की आदत हो गई और ज़िंदगी यूं ही चलती रही। फिर एक दिन एक बहुत अजीब बात हुई जब हमारे यहाँ एक मशहूर सिख नजूमी आया। मेरी भावज भागते भागते मेरे पास आई और कहने लगी, आपा ये जो भी पेशेंगोई करते हैं वो हमेशा सच होती है। अब मुझे तो इन बातों पर बिल्कुल एतबार नहीं था लेकिन सदफ का दिल रखने के लिए मैंने उस नजूमी को अपना हाथ दिखा दिया। उसने सबसे पहले मेरे हाथ की लकीरें पढ़ी, फिर शक्ल देखी, कागज पर कुछ जाविये बनाए जैसे अमूमन सब करते हैं और मैं बेयकीनी के आलम में बैठी चुपचाप ये सारा ड्रामा देखती रही। कुछ देर हिसाब करने के बाद उसने मुझसे कहा कि आप पूरी दुनिया का सफर करेंगी। मैंने हंसकर पूछा, अच्छा कितने सफर करूंगी? उसने कहा, मैं गिनकर नहीं बता सकता लेकिन लातादाद बेशुमार करेंगी। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी आंखों के इलाज के सिलसिले में बाहर जाऊंगी? जी नहीं, आप हुकूमती दौरे पर जाएंगी अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, वो भी बहुत इज्जत के साथ।
इसके अलावा आप एक किताब भी लिखेंगी जो दुनिया की तमाम लाइब्रेरीज में रखी जाएगी। ये सारी बातें बताने के बाद उसने 15 रुपए अपनी फीस ली और चला गया। उसके जाने के बाद मैं काफी देर तक सदफ के साथ बैठकर उसका मजाक उड़ाती रही। हद हो गई, इतनी बेतुकी बातें। जब आंखें थीं, तब ये सब कुछ नहीं किया। अब नाबीना होने के बाद क्या खाक करूंगी। अब सोचती हूँ तो लगता है ये भी शायद कुदरत का कोई इशारा था, मुझे साहिबे बसारत और साहिबे बसीरत के दरमियान फर्क समझाने के लिए। लेकिन उस वक्त मुझे मायूसी से फुर्सत कहाँ थी कि इशारे समझ सकूं। ये बात तो मुझे उस दिन समझ आई जब मेरी मुलाकात इजाबेला और ऑस्कर से हुई। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले हिस्से का।